हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट भाग्यश्री। इनबीसीएन न्यूज के बॉलीवुड गॉसिप में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। टिकटॉक स्टार अदनान शेख का नया सॉन्ग बदना हुआ लॉन्च। टिकटॉक स्टार अदनान शेख, जो कि बिलोंग करते हैं पॉपुलर टिकटॉक टीम 07 से, आज उन्होंने अपना नया सॉन्ग बदनाम लॉन्च किया है। बदनाम सॉन्ग एक दिल टूटे आशिक की कहानी है, अदनान जिसका रोल प्ले करते आएंगे नजर। वहीं इस लॉन्च में नजर आए टिकटॉक के कई जाने माने सितारे, जिनमें शामिल है तीन तिकाड़ा, एजाज खान, फैसू और हुसैन के साथ और भी कई सारे लोग। बहुत मजा आया और बहुत अच्छा लगा। गाना तो फर्स्ट टाइम पे मुझे पसंद आ गया था, जब मैं फर्स्ट टाइम मिलने गया था राहुल सर से। और ये भी इत्तेफाक ऐसे हुआ, राहुल सर से मीटिंग म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू हुई। और इत्तेफाक से जब मैं राहुल सर को जानता नहीं था कि राहुल सर कौन है, तब राहुल सर की आवाज़ में को गाना अच्छा लगा था, तेरे ऐसा यार कहाँ, जहाँ से हम लोग की जर्नी स्टार्ट हुई। सो हम लोग का जो फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो था हम लोग के यूट्यूब चैनल के लिए, तेरे जैसा यार पे हम लोग बनाए थे एक म्यूज़िक वीडियो, जो बहुत ही फेमस हुआ था आज से दो ढाई साल पहले। वो फर्स्ट यूट्यूब वीडियो था हम लोग का, तो वो वीडियो हम लोग बनाए थे, हम लोग को पता नहीं था कि सिंगर कौन है। बाद में वो वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हुआ तो म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए हम लोग राहुल सर से मिले, तो राहुल सर बोले कि ये मेरी आवाज़ है, तो मेरे को अच्छा लगा, मैं तारीफ़ किया राहुल सर की। तो फिर राहुल सर बोले कि और भी म्यूज़िक वीडियो करना चाहते हैं, तो मैं बोला कि हाँ मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, तो ये गाना सुना है मेरे को अच्छा लगा। मेरे को गाना बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा गाना है। एंड सीइंग अ गाय जिन्होंने अपने फ्रेम से हट के दूसरे फ्रेम में काम किया, सो बहुत ही प्यारा लगा। और गाने से बहुत सारे मैसेजेस भी मिल रहे हैं, और गाना इट्स अ लव सॉन्ग सो इट्स लुकिंग वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। अदनान को देख के मैं बहुत खुश हुआ, एंड जुनेद को भी देख के बहुत अच्छा लगा उसके अंदर, एंड दे हैव वर्कड रियली वेरी नाइस। और गाने के लिरिक्स वंदना मैम लिखे हैं, जो कि बहुत ही प्यारे लिरिक्स है और लोग उससे रिलेट कर सकते हैं, ऐसे लिरिक्स है, तो बहुत ही पावरफुल लिरिक्स है। इट गोज टू वंदना मैम। एक्टर और फैंस के बीच की दूरी कम करने के लिए नई ऐप वैश को सनी लियोन ने किया लॉन्च। एक्टर्स और फैंस के बीच की दूरी को कम करने के लिए आ गई है नई ऐप जिसका नाम है वैश, जिसे आज ही एक्ट्रेस सनी लियोनी द्वारा लॉन्च किया गया। हर फैंस चाहता है कि उनके बेस्ट या वर्स्ट डे में उनको उनके फेवरेट सेलिब्रिटी से विश मिले, लेकिन स्टार्स की बिजी लाइफ की वजह से ये पॉसिबल नहीं होता है, और इस कमी को पूरा करेगा वैश ऐप। सनी लियोनी ने कहा कि मुझे भी बहुत सारे लोगों की बर्थडे विशेष की सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट आती है, जिसके लिए मैं कई बार रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन कई बार हम रिक्वेस्ट भी मिस कर जाते हैं, लेकिन अब इस ऐप के जरिए ये नहीं होगा और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैं इस ऐप के साथ एसोसिएट हुई हूँ। वहीं सनी से जब पूछा गया कि वो अगर सेलिब्रिटी ना होती तो वो किससे विश चाहती, जिसके बाद उनका जवाब था नरेंद्र मोदी जी। सनी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से उनके लिए सिर्फ उनका आना ही बहुत बड़ी बात होगी। इसी के साथ इस लॉन्च में और भी कई सितारे मौजूद रहे जो कि इस ऐप के साथ एसोसिएट है। सभी ने इस मौके पर ऐप के बारे में बातें की और बताया कि वो कौन से स्टार से विश करना चाहते हैं। मुझे ये ऐप बहुत अच्छा लगा। आई थिंक दैट इट्स यू नो वन ऑफ दीस वन ऑफ अ काइंड ऐप्स। अभी आई एम श्योर देयर इज गोना बी मोर दैट आर गोना स्टार्ट कॉपीइंग यू एंड फॉलोइंग यू, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि लोग ऐसे रिक्वेस्ट पूछ सकते कि मुझे ये बर्थडे के लिए रिक्वेस्ट चाहिए, आई वांट अ शाउट आउट टू माय गर्लफ्रेंड, माय फ्रेंड, एनिवर्सरीज के लिए, बर्थडेज के लिए, वेडिंग्स, एनिवर्सरीज, बेबीज, यू नेम इट। कभी ऐसा होता है कि हमको वो विश चाहिए लेकिन वो विश कभी पूरी नहीं होती है, सो नाउ इट कैन हैपन, सो आई थिंक दैट इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड आई बिलीव दैट इट विल डू वेरी वेल। बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट मधुरिमा तोली ने मीडिया से की कुछ खास बातचीत। बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट मधुरिमा तोली ने आज हमारे साथ बिग बॉस की कुछ बातें की, जहाँ उसने हमें बताया कि बिग बॉस 13 के बाहर आने के बाद उसके लाइफ में और करियर में क्या क्या चेंजेस आए हैं। इतना ही नहीं, विशाल के साथ हुई लड़ाई के बारे में उन्होंने बताया कि उनका फ्रस्ट्रेशन कम हिट ऑफ द मोमेंट भी हुआ था, और उनका फ्राइंग पैन जो कि बहुत मशहूर हो गया है, वही घर से बाहर आने के बाद उन्हें इस पर कितने मीम्स और फोटोज देखने को मिले, ये भी उन्होंने बताया। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि इश्क में मर जावा में
जहां उनका स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है, वहीं सभी ने उनके साथ फ्राइंग पैन लेक फोटो खिंचवाई है। इसके अलावा मधुरिमा टॉप फोर में सिद्धार्थ असीम, शहनाज और आरती को देखती है। साथ ही साथ इसमें मरजावा 2 के अलावा मधुरिमा एक वेब सीरीज में भी दिखने वाली है। वेब सीरीज जो मिल रही है, आई मीन तो अभी जो कुछ, जो जैसे मैंने पहले भी कहा, कुछ अच्छा आएगा देन आई विल टेक इट अप। आई मीन रैंडमली कुछ भी करने से अच्छा है यू बेटर वेट फॉर द नाइस प्रोजेक्ट। सो एक मेरी वेब सीरीज ऑलरेडी आ रही है, अवरोध जो मैंने की है, शायद इस साल जल्दी आ जाएगी। एंड इश्व मरजावा वो एक स्पेशल एजेंट है, स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर कर रही हूँ नेहा, एक पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है। सो आई एम श्योर द ऑडियंस विल लाइक मी इन दैट रोल। सो पहले एपिसोड के लिए है सिर्फ, तो बट डेफिनेटली एक बहुत जल्द कोई फुल फ्लेज्ड रोल भी करूँगी। बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के खट्टे मीठे खबरों के साथ। अलविदा।